सो है गाइस, व्हाट्सएप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे और एक न्यू ब्लॉग पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। सो करते हैं बाइक स्टार्ट। इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि मैं पहले से लेट हूँ, क्योंकि मेरा गोप्रो का बैटरी चार्ज नहीं था ना, तो न्यूट्रल चलते यहाँ से। तो मैं आज जा रहा हूँ सराहा का मेला, तो खुद भी इंजॉय करूँगा और आप लोगों को वीडियो में दिखाऊँगा। आप लोग भी वीडियो देख कर इंजॉय करोगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ, अभी टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं, तो मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ से नैना टिक्कर टू सराहा। मेरे ख्याल से 21-22 किलोमीटर के आसपास होगा, तो मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा सराहा मेला। भयंकर है, इधर से पीछे से ही बस आधे किलोमीटर पीछे से ही भाई गाड़ी यहाँ पे लगा रखी लोगों ने। मैं कहाँ लगाऊँ यार, आगे देखता हूँ, आगे थोड़ा सही जगह होगा ना, वहाँ पर लगाऊँगा। बाई चांस आगे जगह नहीं ना, फिर बैक मुझे पीछे आना पड़ेगा बाइक लगाने के लिए। बट बाइक है, कहीं भी लग जाएगा बोल के यार। इधर कहाँ जगह नहीं है यार, देखता हूँ कहाँ है जगह। तो दुनिया भर का है यार इधर, बट सब ने भाई मस्त हिसाब से लगा रखा बाइक, बट हम भी लगाएंगे, कहाँ लगाऊँ मैं। ओके, यहाँ पे लगाता हूँ बाइक को मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ सराहा मेले में, तो आप जाते हैं मेले में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से दिखा दूँ, ये मेला है और ये पीछे तो मतलब कोई दुकान लगता नहीं है, बट यहाँ आगे है। तो चलते हैं गाइस यहाँ से आगे। सबसे पहले यहाँ पूछेंगे ना टैटू, भाई टैटू कैसे बनाते हो? स्पिनिंग के हिसाब से होता है, ओवर के हिसाब से, साइज के हिसाब से होता है। तो अगर मेरा नाम लिखना हो ना, तो मैं अपना नाम क्रिश लिखूँगा, तो कितना लगेगा? क्रिश हाँ, चार पाँच होगा, क्या होते वर्ड होगा, कितने का पड़ेगा पहले बोलो, बता दो। वो भाई 1500 यार, इतना महंगा यार वीडियो बना रहा हूँ ना यार, 1500 काफ़ी महंगा लगा रहे यार। फिर भी डिस्काउंट से कितना, यानी कि 1300 रुपये देने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं भाई, चलो भाई, इतना महंगा कौन बनाता भाई टैटू यार, भयंकर। 1300 भाई, पहले 1500 बोला बंदे ने, फिर बाद में जाके 1300 यानी कि 200 रुपये डिस्काउंट करके मैंने कि 1300 में चलो बना दूंगा। बट यार मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मेरे को ना सच बताऊँ ना, मैं टैटू अच्छे नहीं लगते मेरे को। तो चलते आगे, और ये है गाइज मिठाई की दुकान है, और यहाँ घड़िया घुड़िया बिकती है। तो यार घड़ी कैसे दे रहे आप, ये वाला घड़ी कितने का है? मेरे से गिफ्ट ले लो, सही से लगा दो भैया, इसको सही लगा दो, लेना ही लेना हमने भी सही लगा दो, उठाओ, कौन सा लेना चाहते हो बोलो, सही से। मेरे तरफ से तुमको गिफ्ट हो गया, टाइम मिला दो इसमें से, लो भाई लो यार, मेरे तरफ से तुमको गिफ्ट ही मिला। और यहाँ पे देख सकते हो इधर, और आगे तो और भी ज़्यादा मतलब रश होता है, क्योंकि इधर तो मतलब बाज़ार का एंड है ना, तो इधर ज़्यादा रश नहीं होता है। और पीछे देख सकते हो इधर भी, अभी टाइम हो चुका है 5 या 6 बजे कितने की कैसे दे रही है? 100 के 12, उससे कम नहीं होगा, लेना है 100 की 12 यार, इतने में क्या करूँगा मैं, 50 की 6। कैसा है पहले दिखाओ ज़रा, शॉर्ट है ना? अरे भैया इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है यार, अच्छी वाली दिखाओ ना, अच्छी वाली इसमें तो छाड़ दो। तो ये भी सेम रेट है जैसे ये वाले, 100 के 12। चलो यार भैया के भी सेल कर देते हैं, कोई नहीं उठा लो, 100 के 12। हाँ 50 के 50 के 3 है, कितना है इसमें, कितना है इसमें? 3 है भाई, 3 है, 6 बोले, 50 के 6 बोला आपने। हाँ लो भैया, ठीक है, थैंक यू। और हमने जो भैया से ना मतलब जुरा भी ले ली, क्योंकि यार चलो उनका भी चलो मतलब थोड़ा सा बिक जाए और मेरा भी थोड़ा काम हो जाए, क्योंकि यार इतने सस्ते मतलब सस्ते जुरा भी मिल रहे, तो यार कोई कौन नहीं लेगा, नहीं लेगा यार। तो आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाऊंगा, इधर से देखो अभी सेम ही रेट है यहाँ भी जैसे मैंने पिछले लिया था। और यहाँ पे देखो घड़ी, और यहाँ पे है लेडीज़ का जो है सामान, इसको क्या दे, और यहाँ पे बच्चों को खिलौने हैं सारे,
इधर आओ यार। तो इन्होंने भाई किसी को ना भाई गिफ्ट देना है डॉल, तो वो खरीद रहे हैं। कितने का पड़ता है देखते हैं। ऐसे दे दोगे तुम यार वीडियो में दे दोगे? कोई नहीं, मेरा भी मतलब ब्लॉग बन जाएगा। ये मतलब अपनी ना क्या है, तुम्हारी जीएफ तो होगी ना, जीएफ को ना गिफ्ट देने वाले कुछ, और आगे जो डॉल है ना वहाँ पे जाएंगे तो डॉल लेके क्या होता है देखते हैं जरा। और ये देंगे अपने जीएफ को गिफ्ट मेले का। तो मैंने इनको ऑलरेडी ना वॉच है ना दे दिया था मैंने इनको गिफ्ट। और आगे कहाँ पे था यार? अच्छा ये सामने पड़ा हुआ है ये डॉल का दुकान। तो पूछते हैं वो वाला ले लेना जो बहुत बता रहा था वो। करो ना, नहीं नहीं इसको मत लो, वो वाला होता है ना क्या बोलते लड़की का पसंद क्या होता है, पिंक। हाँ पिंक कलर में लो, पिंक कलर। ये तो यार ये वाओ कितना क्यूट यार। भैया ये कितने का है? एक एक ना। फिलहाल इनके गर्लफ्रेंड का जो गिफ्ट है ना वो मैं पैसे दे रहा हूँ, ये मेरे को नीचे दे देंगे क्योंकि इसका पैसा मैं नहीं देने वाला क्योंकि इनका गर्लफ्रेंड है यार, कौन दे, मैं थोड़ी दूंगा इनका गिफ्ट। ये मेरा 20 रुपीस। एंड आगे को चलते हैं और यहाँ देख सकते हो इधर इधर, मतलब ना मैंने ना ये वाला बैग भी खरीद, ये वाला बैग भी मतलब लिया था मैंने जो मेरे पीछे लगाया है, ये मेरा मतलब ओल्ड वाला बैग है ये, तो ये ना मतलब फट गई थी ना तो इसलिए मैंने दूसरा नया बैग लिया। तो चलते आगे। अरे सांस तो लेने दे भाई। राहुल पहलवान देहरी पुलिस, दूसरी तरफ वीर सिंह पहलवान मनोज सोलन की चलती हुई बॉल। अरे 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 हो गया हो गया, बच गया बच गया, जा दिया था यार। अरे अरे अंदर आ जाओ यार, बेटा बाहर तो हरा दिया। हाँ हाँ अब बोलेगा जीत जीत गया है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं हुआ यार, बंदा बोला जीत गया। अरे कहाँ है? क्या पटका यार, इधर देखो यार। अरे कुछ क्या हुआ, हारा नहीं, हार गया। अबे हारने के बाद तो छोड़ दे भाई, भाई ये जीत गया यार। क्या यार, अच्छी कुश्ती आपके बीच में होगी। ओए होए शंकर, आप किस तरह रहे थे यार? भाई होते हो इसके अपोजिट कौन है? चटपटाने नींबू लगा के अति महंगा मंजिल में शंकर पहलवान यहाँ और संजू पहलवान हरियाणा जो हमारे पूर्व में राज्यपाल हुआ करते थे आदरणीय आचार्य जी उनके भतीजे हैं। हम लोग भी सेरेमनी में शिमला थे जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। संजय पहलवान हरियाणा
शंकर पहलवान नाहन। भाई ताली मार दीजिए जोरदार ताली, उम्मीद है अच्छी खुशी होगी। शंकर नाहन संजय पहलवान हरियाणा, अशोक पहलवान हरियाणा, रवि पहलवान जम्मू, शंकर ना ना जीतेगा यार, ये जीतेगा, शंकर जीतेगा भाई। पटक दे पटक दे पटक दे, गद्दारी कर बे। गद्दारी कर रहा यार। हाथ से क्यों मार रहा भाई? अरे अरे उठा दे उठा दे। क्या जीत गया है? कुश्ती देखने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया बस स्टैंड पे। जैसे ही मैं ब्लॉग कर रहा था तो अंकल जी यहाँ पे मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मतलब एलियन हूँ मैं। यहाँ पे अंकल ही नहीं, सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, तो मेरा भी यार कॉन्फिडेंट लो हो गया था। बट फिर भी दिल को मैंने संभाल के अपना कॉन्फिडेंट फिर वापस लाया और ब्लॉग करते करते मुझे दिखी लड़कियाँ। तो मैंने सोचा इन लड़कियों के मतलब नाम पूछ लूँ और इनसे हाथ मिला लूँ। तो सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इन सारी लड़कियों को चॉकलेट देते हैं और सभी का नाम पूछते हैं और हैंडशेक करते हैं। तो आगे बढ़ा और सारी लड़कियों के साथ मैंने हैंडशेक किया और सारी लड़कियों को मैंने चॉकलेट दिया एक एक करके सारे को। यह था गाइस आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।